वेलकम स्टूडेंट क्लास 8 पार्ट 8 मध्य प्रदेश के गौरव। इसमें हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से मध्य प्रदेश के दो महान व्यक्तियों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। यद्यपि ये दोनों व्यक्ति हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं, फिर भी अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। इसे प्रेरक के रूप में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आइए सीखें। इसमें क्या सीखें हम? मध्य प्रदेश के दो शीर्ष व्यक्तियों की गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय, उनके विशिष्ट मानवीय गुणों से प्रेरणा लेने के भाव जागृत करना, क्रिया विश्लेषण शब्दों का ज्ञान। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं। संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य और राजनीति के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में जो महान पुरुष हैं, उनमें अनेक महान पुरुष थे, उनमें दो और ये हैं जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलिया गली के मध्यवर्गीय परिवार के से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में लिया जाता है। ये भोपाल की गुलिया दली के मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था और राष्ट्रपति पद को इन्होंने सम्मानित किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया है। अपने यशस्वी जीवन में जो उनकी शैक्षिक शिक्षा से संबंधित जो यात्रा थी, उसमें ये एक मेधावी छात्र के रूप में निरंतर रहे, मतलब बुद्धिमान छात्र के रूप में हमेशा आगे रहे। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। स्नातकोत्तर उपाधि में इन्होंने क्या हिंदी में भी करी, अंग्रेजी में भी करी और संस्कृत में भी करी। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन का कार्य भी किया। ये सारी उपाधि इनको मिलने के बाद इन्होंने लंदन में अध्यापन का या तो पढ़ाने का कार्य भी किया है। काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, काव्य में, शास्त्रीय संगीत में और साहित्य लिखने में इनकी रुचि तो थी, और भी ये खेल कूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी, मतलब खेलने में भी ये आगे थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन बने थे। प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित भी किया गया था। अनेक विभिन्न देशों से भी इनको मानक उपाधियां प्राप्त हुई थी। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। ये आंदोलन जो किया था, इसमें इनको जेल भी जाना पड़ा। आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इन 3 सालों तक ये विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी बने रहे। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे, मतलब ये इनका जीवन अधिकतर राजनीति में गुजरा। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया है। 21 अगस्त 1977 को आप
सॉरी 21 अगस्त 1987 को आप राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। ये कौन से राष्ट्रपति बने थे? 9वें राष्ट्रपति बने हुए थे। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तित्व की गौरवशाली परंपरा को सर्वदा सार्थक बनाया है। राजनीतिक जीवन की जो गौरवशाली परंपरा है वो आपने हमेशा बनाए रखी है। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा, और जिन भी पदों को आपको जो कार्य सौंपा गया उसमें आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का आपने नष्ट नहीं होने दिया। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का शरण होते देखा वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया, और जहाँ भी इन मूल्यों को नष्ट होते देखा वहाँ आपने हस्तक्षेप अवश्य किया है। आपने अवमूलित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, मतलब राजनीति को जानने की इच्छा हमेशा अपने मन में बनाई रखी। सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान किए। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश ना हो तो यह व्यक्ति की महानता ही कही जाएगी, और डॉक्टर शर्मा में ये महानता थी। मतलब इन्होंने दंभ यानी घमंड एकमात्र भी नहीं था। ईश्वर के प्रति दंड आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। ईश्वर के प्रति इनको बहुत आस्था थी और जन सामान्य को ही अपने परिवार की तरह मानते थे। प्रातः 9 बजे के उपरांत 1:30 बजे तक प्रतिदिन वह जन सामान्य से मिलते थे। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक जनता से वह मिलते थे। ये मिलना इतना आत्मिक होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्यों, मतलब वह उनसे ऐसे मिलते हो जैसे परिवार के सदस्य से मिल रहे हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया है। मतलब ये एक ऐसा संयोग रहेगा जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के थे। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव अटल बिहारी वाजपेयी हैं। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों तक जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। मतलब महात्मा गांधी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग किशोरावस्था में ही दिया था, और 24 दिनों तक इन्होंने जेल की यात्रा भी की थी। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। इनकी माता जी जो थी वो धार्मिक संस्कारों वाली थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। मतलब ये जो सारे संस्कार थे ये सारे संस्कार उनमें भी थे। अटल जी सहज सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। अटल जी का स्वभाव था जो था वो सरल था और भावुक था। गरीब बच्चों को पढ़ाने, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदैव प्राथमिक प्रयत्न रहा है। ये उनका प्रथम प्रयत्न ये रहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, ये हमेशा प्रयास करते रहते थे। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे हैं। मतलब ये पढ़ाई के समय से ही, छात्र जीवन के समय से ही गरीबों की मदद करते आए हैं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। इनके जो पिताजी थे वे अध्यापक का कार्य करते थे, उसके साथ साथ कविताएं भी लिखते थे। अपने पिता की रचना पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे। अपने पिताजी की रचनाओं को पढ़ते पढ़ते ये भी कविताएं लिखने लगे, और जो कविताएं लिखते थे वो ओजपूर्ण रहती और शिक्षा देने वाली होती थी। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। अब रचना लिखते लिखते ये इतने अच्छे हो गए कि हिंदी साहित्य की जो सभाएं होती है वो गोष्ठियाँ होती है उसमें वो जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और संवेया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। कविताएं जो लिखी जाती है वो छंद में लिखी जाती थी। उस समय जो छंद पसंद किए जाते थे वो घनाक्षरी और संवेया छंद को पसंद किया जाता था। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की।
भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। 1968-1973 तक वे उस राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई उसमें इनकी भूमिका अहम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्रधर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ये पत्रकार भी थे और इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया है। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। ये बचपन से ही राजनीति में गए थे और इनकी रुचि राजनीति में रहना स्वाभाविक ही था। 1957 में वे बलरामपुर के लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह तक ही चली। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया। इन सारे प्रधानमंत्री जब तक ये बने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और तभी से उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ के उन्होंने हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएँ, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, न देनम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी पर ये जो रचनाएं थी ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अपनी भाषा शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आपने भी सुनी होगी इनकी कविता, इनको मतलब इसको सुनने के लिए सभी व्यक्ति जो लालायित रहते हैं, इनकी इच्छा होती थी कि इनकी कविताएं हम सुने। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते थे। मतलब इनके जो भाषण होते थे, इनकी जो कविताएं होती थी, ये सब कैसी होती थी? प्रेरक, प्रेरणा देने वाली। वे समय अनुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते हैं। एक अच्छा कवि वही होता है जो समय अनुकूल श्रोताओं में भाव जगा सके। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान ध्यान में एक जैसी थी। अभी जो हमने लेसन पढ़ा इसमें कुछ कठिन शब्द हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं और इनको आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। सर्वोच्च ने सबसे ऊंचा, आजीवन जीवन भर, सक्रियता क्रियाशीलता, विपरीत उल्टी प्रतिकूल, सराहना प्रशंसा, उख्यात ने प्रसिद्ध। अभी जो लेसन पढ़ा इसकी ये वर्कशीट है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और रन भी करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है, गलतियां नहीं करना है और कॉपी को साफ रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। मध्य प्रदेश की दो विभूतियां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल की गुलियादाई गली में जन्मे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विधि में PhD की। क्वेश्चन नंबर ख, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो विकल्प दिए गए उनमें से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म ईसा में हुआ था। 19 अगस्त 1918 या 29 अगस्त 1928 में कब हुआ था? 19 अगस्त 1918। ब, डॉक्टर शर्मा तैराकी में के चैंपियन रहे थे। कहाँ के रहे थे? विक्रम विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या आएगा यहाँ पर? लखनऊ विश्वविद्यालय। अटल बिहारी वाजपेयी जी की माताजी का नाम था कृष्णा देवी या राधा देवी? क्या नाम था? कृष्णा देवी। क्या आएगा यहाँ पर? कृष्णा देवी। द, अटल जी के विशेष कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें से अलंकृत किया था। कौन से पद से अलंकृत किया था? पद्मश्री या पद्म भूषण? पद्म भूषण।
प्रश्न क्रमांक दो, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अ, डॉक्टर शर्मा लोगों से किस प्रकार मिलते थे? उत्तर, डॉक्टर शर्मा लोगों से अपने परिवार के सदस्य की तरह मिलते थे। ब, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के किस गरिमा सर्वोच्च पद को सुशोभित किया था? कौन सा पद उनको दिया गया था? उत्तर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति गरिमा सर्वोच्च पद को सुशोभित किया था। ख, अटल जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया था? कौन कौन से पत्र उन्होंने लिखे थे? उत्तर, अटल जी ने राष्ट्रधर्म, स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया था। अब आपको ये चिन्ह जो दिख रहे हैं, इखरा चिन्ह, ये सारे चिन्ह आपको लगाना है, तभी ये अलग अलग बताए जाएंगे, नहीं तो ये सब साथ हो जाएंगे, ठीक है। द, अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने? अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार 1996 में प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रश्न क्रमांक थ्री, लघु उत्तरी प्रश्न। अ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की शिक्षा के बारे में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर ब, डॉक्टर शर्मा ने किन किन पुस्तकों की रचना की? उत्तर, डॉक्टर शर्मा ने प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूल धारा और देशमणि पुस्तकों की रचना की। प्रश्न क्रमांक स, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से कब मिलते थे? उत्तर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 तक प्रतिदिन मिलते थे। प्रश्न क्रमांक द, अटल जी की काव्य सृजन में रुचि कैसे जागृत हुई? उत्तर, अटल जी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिताजी की रचना पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे, उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे, तब से अटल जी की काव्य सृजन में रुचि जागृत होने लगी। प्रश्न क्रमांक ई, अटल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, मेरी 51 कविताएं, केदी कविराय की कुंडलिया, न देनम न पलायनम, मेरी संसद यात्रा आदि अटल जी की प्रमुख रचनाएं है। भाषा की बात है ना, व्याकरण वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक ए, बोलिए और लिखिए, ये आपको ऐसे कैसे बोलना है, ये स्वयं आपको करना है। प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम, सर्वोच्च। प्रश्न क्रमांक दो, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ 3 शब्द दे रखे, उनमें से जो शब्द सही है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे साहित्य, ये राइट है। उत्तीर्ण, इन तीनों में से ये वाला राइट है। राष्ट्रपति, ये वाला राइट है। ग्वालियर, ये वाला राइट है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए वाक्यों में से क्रिया विशेषण के शब्द छाट कर लिखिए। पहले तो आप क्रिया विशेषण क्या होता है ये जान लीजिए। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे वे धूप में बाहर बैठे थे, बैठे ने क्या क्रिया हो रही है, तो कहाँ बैठे थे, बाहर। तो यहाँ विशेषता क्या है उसकी, बाहर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाहर। वह थोड़ा लुढ़क गया, क्रिया क्या हो रही है कि वो लुढ़क रहा है, तो उसका विशेषता क्या है कि थोड़ा लुढ़का, तो यहाँ क्या आएगा, थोड़ा। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, क्रिया क्या हो रही है वहां, चीखना, तो यहाँ इसकी विशेषता क्या है, जोर जोर से। राम अपनी बहन को बहुत सता रहा था, सताना क्या हो रही, क्रिया, और बहुत क्या है इसकी, विशेषता है, तो यहाँ क्या आएगा, बहुत। प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। धनवान, इसमें मूल शब्द क्या है, धन, और प्रत्यय क्या है, वान। पुस्तकी, इसमें मूल शब्द क्या है, पुस्तक,
और प्रत्यय क्या है ई, सक्रियता, इसमें मूल शब्द क्या है सक्रिय और प्रत्यय क्या है ता, गाड़ीवान, गाड़ीवान में मूल शब्द क्या है गाड़ी और प्रत्यय क्या है वान, विशेषता, विशेषता में मूल शब्द क्या है विशेष और प्रत्यय क्या है ता, कृतित्व, कृतित्व में मूल शब्द क्या है कृति और प्रत्यय क्या है त्व,